हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट बॉल फैंटेसी। तो यहाँ से लॉस एंजल्स क्लिपर्स वर्सेस मेफर्स के बीच का मुकाबला अगला कवर करेंगे। बास्केटबॉल का मुकाबला रहेगा फ्रेंड्स। दोनों टीम्स का पोजीशन किस तरह से पॉइंट टेबल में है, प्ले फाइव किस तरह की रहने वाली और फ्रेंड्स हैशटैग की प्लेयर इस मैच में कौन से रहेगा, सब कुछ डीपली कवर किया जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। पिछले कल भी विनिंग हुई है फ्रेंड्स, उसके भी प्रूफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो लास्ट बॉल फैंटेसी टेलीग्राम पर सर्च करें और फ्रेंड यहाँ पे फाइनल टीम भी अपडेट कर दी जाती है। बाकी बात करें दोनों टीम की, तो लॉस एंजल्स क्लिपर का प्रदर्शन कुछ मैचेस में अच्छा नहीं रहा है। पिछले लगातार तीन मैच इन्होंने यहाँ से लॉस की है। बाकी फ्रेंड्स इनका लेटेस्ट लॉक जो यहाँ से लॉस रहा है वो सैक्रामेंटो किंग्स के खिलाफ 103 और 112 से हार गए थे। दूसरी तरफ बात करूँ तो मेम्फिस ग्रिजल्स की, ग्रिजल्स की टीम अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई है और रन पॉइंट्स में अभी तक आठवें नंबर पर है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से जान लेते हैं हमारे इस मैच में प्लेइंग फाइव के अलावा फ्रेंड्स जो की प्लेयर इस मैच में खेलने वाले नहीं है, जैसे कि पॉल जॉर्ज, बेविडले, ये खेलने वाले नहीं है फ्रेंड्स। बाकी बताऊं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए जो की प्लेयर ग्रेसन एलन फ्रेंड्स, ये भी यहाँ से इस मैच में खेलने वाले नहीं है, तो इनको अपनी टीम में ट्राई नहीं करना है। आप यहाँ से प्लेइंग फाइव देख सकते हैं किस तरह की रहने वाली है। पॉल जॉर्ज का फ्रेंड्स यहाँ से अभी डाउटफुल है, इनको मैं बता दूँ तो आपके लिए डाउटफुल रहने वाले हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से क्लिपर्स के जुबैक, लिनॉर्ड और शेमत रहने वाले हैं। बाकी फ्रेंड्स एंडरसन, जोनास, मोरांट और ब्रुक्स रहने वाले हैं। हैशटैग की प्लेयर फ्रेंड्स यहाँ से बताऊँ तो आपके लिए मैं बता दूँ फ्रेंड्स जो इस मैच में रहने वाले हैं वो है यहाँ से लॉस एंजल्स कीपर, कीपर को हाईलैंड आउट, क्या शानदार का रिकॉर्ड रहा है। अगर पॉल जॉर्ज फिट होते तो इनका प्रदर्शन भी बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन फ्रेंड्स डाउटफुल है जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी यहाँ से मोरांट को आप ट्राई कर सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ से जॉर्ज जैक्सन और हेराल इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट के दोनों साइड दिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ से मैं बताऊँ तो पॉल जॉर्ज नहीं खेलते तो हेराल का काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। बाकी ड्रीम इलेवन में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जैक्सन को लिया हूँ, मोरांट को रखाऊँ, विलियम्स को लिया हूँ, एल विलियम्स को लिया हूँ, लिनॉर्ड और डी ब्रुक्स को रखाऊँ, जी डेंग को रखा हूँ और फ्रेंड्स सेंटर में हारेल और जुबैक को लिया हूँ। टीम प्रू जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, वन लाइक फॉर वन मोटिवेशन है फ्रेंड्स। पॉल जॉर्ज को यहाँ से ड्रॉप कर दिया हूँ। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से आप इस टीम के साथ खेल सकते हैं, मिनी ग्रैंड लीग में जा सकते हैं, 3-4 मेंबर हेड टू हेड में खेल सकते हैं। कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई प्लेयर मिसिंग रहता है तो फ्रेंड्स मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा। स्टार प्लेयर के ऑप्शन के लेनॉर्ड और फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास अच्छी और ऑप्शन कोई बचती नहीं इसके अलावा, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे सेफ ऑप्शन यही है यहाँ से इस वक्त इस मैच में लग रही है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से टीम प्रू देखे तो उससे पहले देख लेते हैं किस तरह से यहाँ से मैं बताऊँ तो एल विलियम्स को 4% लोगों ने ले रखा है, लिनॉर्ड को 81। अगर आप हेड टू हेड और स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो लिनॉर्ड को अपनी टीम में स्टार प्लेयर देना है फ्रेंड्स। अगर मैं बता दूँ अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके मोरांट को ले सकते हैं या हारेल को स्टार ले सकते हैं या जुबैक को ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क लेना पड़ता है ग्रैंड लीग में। मैं बता दूँ फ्रेंड्स अगर आपने पिछले कल हमारा मैच देखा होगा तो खेला होगा तो फ्रेंड्स यहाँ से आप पिछले कल की टीम देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स परफेक्ट टीम थी, लेकिन स्टार प्लेयर सही नहीं था। नहीं तो फ्रेंड्स अगर हम अर्बन या रेंजर्स को दे देते तो फ्रेंड्स हम ग्रैंड लीग भी विन कर जाते पिछले कल की, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हमारा अच्छा खासा रैंक रहा है। आई होप हैड टू हैड और 3-4 मेंबर में हर सब भी यहाँ से विन किए होंगे। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, फाइनल टीम आपको मिलेगी फ्रेंड्स तो यहीं पर मिलेगी, लास्ट बॉल फैंटेसी इसी तरह से टाइप करना है जैसे यहाँ पर टाइप किया गया है और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।